गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार भेट करन तो पहले सनेमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म एक महारस है, अगर जीवन देच ए महारस नहीं तो कहीं जीवन देच धर्म नहीं है। जीवन एक निर्वैर निर्भय जज्बे का नाम है। हिरदा निर्वैर ते निर्भय नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म एक समदृष्टि का नाम है, सब एक दिखाई दे। ऐसा नहीं है तो अजय जीवन देच धर्म नहीं है। जीवन दे विच खेड़ा खुशी आनंद है तो धर्म है। चिंता है, सोग है, समस्यावान है, अजय धर्म नहीं है। अजय धर्म दी यात्रा बहुत लंबी। धर्म एक परम आनंद, धर्म एक परम रस, धर्म एक निर्वैर ते निर्भय जज्बा, धर्म गुणा दा सागर, सारियां खुशियां नू, सारे गुणा नू, सारे रस नू किसे इक्को ही शब्द च बयान करना होवे धर्म, सब कुछ विचे आ जांदा। सारा रस विचे आ जांदा, सारे गुण विचे आ जांदे, सारी शक्ति विचे आ जांदी है, सारा ज्ञान विचे आ जांदा। जिस दिन धर्म दी थोड़ी बहुत समझ पैंदी है ते अंदरों लालसा जागदी है, उसनू कहिंदे ने ए जग्यासु हो गया है। मनुख नू इस हिसाब नाल चार हिस्सियां च वंडे है। थोड़ा जिहा जागया है, थोड़ी जिहा इस दी नींद खुली है, थोड़ा जिहा सुचेत होया है। इस दिन जग्यासा पैदा हो गई है धर्म दी। ऐसे पुरुष नू कहिंदे ने जग्यासु। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा होई, चल पिया, चल पिया। इनू कहिंदे ने साधु, ये तो साधना करन लग पे ते चल पिया। चलदियां चलदियां जो पहुंच गया उन्हों कहिंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख, भगत। इत पहुंच गया, इत अपने टिकाने पहुंच गया। जिस दे अंदर ये जग्यासा भी नहीं पैदा हुई उसे नू कहिंदे ने संसारी, ते संसारी बंदा है, संसारी है। सब तो वड्डी पीड़ संसारियां दी है, उन्हां तो थोड़े ने जग्यासु। फिर जग्यासुआं तो भी थोड़े ने साधु। फिर कोई करोड़ां च एक कद है संत। जैसे जैसे पहाड़ दे उपर चढ़ी है जगह घटती जाती है, थोड़ी आती जा रही है। तो चोटी थे, शिखर थे, तो बहुत थोड़ी जगह रह जाती है। निवाण दे ज्यादा है, संसारियां दी ते भीड़ है बहुत वड्डी। इन्हां संसारियां देच कदी कदाई कोई एक कद जग्यासु, प्रभु दे मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा नू मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। नाम जपन दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा बारे इहदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। इसनू धार्मिक शब्द इंज देंदे ने, इह जग्यासु है। जिस दे अंदर इतनी भी तड़प नहीं पैदा हुई वह अजे जग्यासु भी नहीं है। जग्यासु, सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई ते चल पे, इन्हें ते जपना आरंभ कर दिता। इत अमृत वेले उठ के साधना करन लग पे।
फिर इस नूं कहिंदे ने साधु, ये साधना कर रहा है, ये तो चल पे। चलदियां चलदियां जो पहुंच गया उन्हों कहिंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख भगत। ये हर मनुख अपने बारे फैसला कर सकता है, मैं कित्थे हाँ। इसे नूं एक आलम कहिंदे तो खुद ब मुनसब शुद्ध, अपना फैसला आप कर, दूसरे तो ना करा। दूसरा मेरे मन बारे की जानता है, मैं अपना फैसला आप कर सकता। दूसरा मनुख दूसरे बारे कोई सही फैसला नहीं कर सकता। दूसरा मनुख या तो दूजे बारे घटा के गल बयान करेगा या बता के। जे ईरखा रखता है, दुश्मनी रखता है, तो गल घटा के बयान करेगा, निंदा करेगा। या कुछ स्वार्थ रखता है या अपना है, तो फिर गल वधा के करेगा। दूसरा किसी भी मनुख बारे सही फैसला नहीं कर सकता। कारण दूसरा मन देख ही नहीं सकता जगयासा पैदा हुई है कि नहीं। किसी मनुख के अंदर परमात्मा की जगयासा पैदा हो गई है, ये दूसरा नहीं फैसला कर सकता। तो जगयासा पैदा हो गई, उन्होंने कहते हैं जगयासु, ये जाग गया, थोड़ा सुचेत हो गया, सावधान हो गया। जगयासु सिर्फ जगयासा ही नहीं पैदा हुई, चल पे, चल पे। साधु सिर्फ चलना ही आरंभ नहीं किया, चल चल के पहुंच गए। संत ये हुण अपने बारे असी खुद फैसला करना है, असी संत हाँ, साधु हाँ, जगयासु हाँ कि सिर्फ संसारी। संसारी दी पहचान भगत कबीर जी दा एक बोल है, नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। कबीर कहिंदे ने मैं माया दी नक कट दित्ती है, भी हद हो गई, तू गर्दन कटनी सी, सिर्फ नक कट के जो है क्यों छोड़ दित्ती। क्योंकि कबीर ऐसा कह रहे ने, कहो कबीर संतन की बैरन, माया धन नूं नहीं कहिंदे, इस चक्कर च ना पैना। गुरु अमरदास जी ने खुलासा कर दिता है, ए माया, इसनों माया जानो, किसनों, ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस काम दे करदे आं, जिस विचार दे आंदे आं, जिस संबंध दे जुड़दे आ, परमात्मा भुलदा है, माया है। जिहड़ा कम परमात्मा नूं भुला देवे, परिवार करके परमात्मा भुलदा है, परिवार माया है। धन करके धर्म भुलदा है तो धन माया है। मित्रां करके परमात्मा भुलदा है तो मित्र भी माया है। पुत्र करके परमात्मा भुलदा है तो पुत्र भी माया है। पर परिवार करके निरंकार भुलिया नहीं, याद आ रहा है, तो इस मनुख लई परिवार माया नहीं है। धन दे च रहिंदिआं इह धर्म नूं भुलिया नहीं है, तो धन इस लई माया नहीं है। पुत्र पोतरियां करके निरंकार नूं भुलदा नहीं, तो इह उस दे लई माया नहीं है। ए माया, इस नूं माया जाणो, ए माया जित हर विसरे। जिस काम दे करदे आ, जिस विचार दे आउंदे आ, जिस माहौल दे च रहिंदे आ, परमात्मा भुलदा, माया है। हर मनुख अपने लिए फैसला कर सकदा है, मेरे लिए केड़ी गल माया है। गुरु अमरदास जी महाराज ने साढ़े ते छोड़ दिती है गल, ए माया इसनू माया जाणो, ए माया जित हर विसरे, जिस करके प्रभु बोले,
किसी भी काम करके, किसी भी विचार करके, किसी भी माहौल करके, किसी भी वातावरण करके, अगर परमात्मा भुलदा है माया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया, दुचित्ता मन पैदा हो जाए, शक वध जाए, ते मन दुफाड़ होवे, बस इसनु माया जाना। कबीर कहिंदे ने मैं माया दी नक कट दित्ती है, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। भी तू सिर्फ नक ही कट के परे सुट दित्ती। दरअसल मायाधारी दी सिर्फ नक होंदी, होर कुछ भी नहीं होंदी। मायाधारी मनुख जो कुछ भी करेगा नक रखण वास्ते, और कुछ भी नहीं। नक रहनी चाहिए, सच्चाई रहिंदी है भावें नहीं, धर्म रहिंदा भावें नहीं, मेरी नक रहनी चाहिए। नक इसे नू रखना है सामने, सच्चाई नू नहीं। कबीर कहिंदे ने मैं जो कुछ भी करदा नक रखण वास्ते नहीं, परमात्मा लई, ईश्वर लई। नाकों काटी तो मैं कट दित्ते, मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। शरीकां च मेरी नक रह जाए, समाज दे च मेरी नक रह जाए, कबीर कहिंदे नहीं है मैं कट दित्ते। नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। तो मैं फिर अर्ज करा, कीर्तन सुनदिया, कथा सुनदिया, बाणी पढ़दिया, जिस दिन प्रभु मिलन दी जग्यासा पैदा हो जाए, उन्हों कहिंदे ने जग्यासु है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, बहुत जपन लग पे है, चल पे है, इते साधु है, इते साधु हो गए। इस दे सारे कर्म बड़े पवित्र होंगे, साध नाम निर्मल ताके कर्म, उदी किसी भी कृत नूं असीं मैला नहीं कह सकते। उदा करना, उदा वेखना, उदा सुनना सब पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। चल पे है साधु, सिर्फ चलिया नहीं, चल चल के पहुंच गया संत। संत इहदे अखरी अर्थ ने जो सत दा तत है, जिसने सत विच अपना अंत कर लिया। संत इहदे अखरी अर्थ ने, संस्कृत दा शब्द है, सत विच जिसने अपना अंत कर लिया, सत दे च ही अपने आप नूं मिटा दिता है, जिसने जो सत दा तत बन गया संत। मनुखी दुनिया दे संत सब तो सिरमौर है, बाकी सब थले ने। जिस दे अंदर जग्यासा ही नहीं पैदा होई, बस उसनु संसारी कहिंदे ने, ज्यादा भीड़ इन्हां दी। साधु की करदा है? साधु अपने मन नाल लड़दा है, मन नाल झगड़दा है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोए। जिस दिन जीवन देच ए समस्या पैदा हो जाए, मन जुड़दा क्यों नहीं, मन टिकदा क्यों नहीं, मन मंदा क्यों नहीं, मन नहीं मंदा। मन पुत्र नू ते पुत्र करके मनदा है, मन परमात्मा नू परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पत्नी नू ते पत्नी करके मन लेंदा है, मन परमात्मा नू परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पति नू पति करके मन लेंदा है, भरा नू भरा करके मन लेंदा है, मां बाप नू मां बाप करके मन लेंदा है, मन परमात्मा नू परमात्मा करके नहीं मनदा। बहुत सारे जिहड़े लोग कह देंदे ने असीं परमात्मा नूं मनदे हां, नहीं,
अगर मनते ने तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते उस मनुख की महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछता। जिसनों मन मन लेंदा है वो याद का हिस्सा बन जाता, हर वक्त याद आता, भुलदा नहीं। जिनू मन मनदा नहीं मन उसनों भुल जाता है। जिसनों मन मनदा है मन उसनों बार बार याद करता है। जिसनों मन मन लवे ये मेरा अपना है, फिर वो भुलदा नहीं है। भुलदा कौन है? बेगाना, ओपरा। याद कौन आंदा है? अपना। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहू काहू अपनो ही चित आवे। जिथे किथे अपना चेते आंदा है, ओपरा बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे समझ लेना अपना है। अपना मित्र याद आंदा है, अपना पुत्र याद आंदा, अपना परिवार याद आंदा, अपना घर याद आंदा है। जे दुश्मन भी याद आंदा है तो अपना दुश्मन याद आंदा है, दूजे का नहीं। कुछ ना कुछ तो अपना तो उहदे नाल भी है। जाहूं काहूं अपना ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आंदा है, बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे अपना है, ते जिन्हों याद भी करिए ते भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। बाकी ते सब अपने ने, रह गई गल राम दी, ए ओपरा है, बेगाना है। सब कुछ चेते आउंदा है, राम चेते नहीं आउंदा। क्यों? सब किछ अपना एक राम पराया। कबीर कहंदे ने, मैनू भुलदा ही नहीं, बिसरत ना ही मन ते हरी। भुलदा ही नहीं, क्यों? अब मोए राम अपना कर जाने आ, सहज सुभाए मिले मन माने आ। हुण मैं राम नू अपना करके जाने आ। ते मनोविज्ञानक कहंदे ने, अपना ही चेते आ सकदा है, बेगाना नहीं, ओपरा नहीं। बार बार जो याद आवे अपना है। याद करन ते भी जो भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। अब मोए राम अपना कर जाने आ, सहज सुभाए मिले मन मानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहूं काहूं अपनों ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आउंदा, बेगाना नहीं चेते आउंदा, ओपरा नहीं चेते आउंदा। सारी दुनिया भर दे अवतारा ने इको ही गल आखी है, चेते करो, याद करो, सिमरन करो। पंजाबी च कहिंदे ने चेते करो, उर्दू च कहिंदे ने याद करो, ते संस्कृत दे च कहिंदे ने सिमरन करो। इहदा मतलब है भुल गया, असी ईश्वर नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, क्योंकि रोम रोम दे च है। भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। भुलिया क्यों है? मन ने बेगाना समझ लिया। जितना परमात्मा अपना है जगत दे च होर कोई भी अपना नहीं है। हर वक्त मनुख दे नाल परिवार नहीं रह सकता, भैन भरा नहीं रह सकते। हर वक्त मनुख दे नाल संगी साथी नहीं आते। परमात्मा हर वक्त नाल है, सदा अंग संगे अभंग अंग विभूत है। जो सदा संग है वह भुल जाता है। क्यों? ओपरा समझे, बेगाना। और जिन्हां दा संग वक्ती है, आरजी है, वो बार बार याद आउंदे ने। हुण मैं अर्ज करां, गुरबाणी ये भी कहंदी है, परमात्मा दी याद महा आनंद है। ध्यान देना, तुद चित आए महा आनंद।
ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਗਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਮ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਈਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਈ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਅਸਤ, ਇਹ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਈ ਦਿਲ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਅਸਤ, ਇਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਤ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਸਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਮਗੀਨ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੁਛ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਹਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਵੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸਿਉ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਵੇ। ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਵੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸਿਉ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ, ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰ ਮਾਹੀ। ਕੰਸ ਦਾ ਸੌਰਾ ਜਰਾ ਸਿੰਧ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਛੋੜਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ? ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਠੀਆਵਾਲ ਦੁਆਰਕਾ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਨਸੇ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਸ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ, ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰ ਮਾਹੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਧਨ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁਚਕੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੇ ਅਪਦਾ, ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰ ਮਾਹੀ।
बलबीर पिता रघुबीर पिता दुख लोक समान लहे भव माही। कहो रे मन कौन सुखी जग में तन धार के जो दुख पावत नाही। मनुखा तन धारण कीता होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहिंदे मैनू दसो केड़ा बंदा है, केड़ा बंदा है? दुख किसते नहीं आया? पंडित गुलाब सिंह जी कहिंदे मैनू दसो ऐसा कौन है। कहो रे मन कौन सुखी जग में तन धार के जो दुख पावत नाही। गम छे बाशत, भाई साहब भाई नंद लाल, गम की है दुख की है? चीस्त शादी खुशी की है? आप थल्ले जवाब भी लिख देने। ए दीवाने गोया भाई साहब भाई नंद लाल, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। बस परमात्मा दी याद तो गफलत करनी ही गम है, और कोई गम नहीं। उन्हों भूल जाइए बस गम है, सारे गम पैदा होंगे। कितने क पैदा होंगे ये गुरु अर्जन देव जी दसते ने। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रो, शरीरक मानसिक आर्थिक समाजिक पता नहीं कितने कलेश खड़े होंगे। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। चीस्त शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है उदी याद खुशी है, महा खुशी है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भूल जाता है उदिया खुशियां मर जांदियां ने, जिन्हों भूल जाता है उदे सुख मर जाते ने, जिन्हों भूल जाता है उदे रस मर जाते ने। होर की मरदा है? जिस विसरे सो मर जाए जियो, उदी सारी चेतना मर जाती। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुरु नानक देव जी महाराज ये कहिंदे ने प्रभु नूं विसार के कोई मनुख गुणवान भी नहीं हो सकता। ना उसके अंदर समदृष्टि होगी, ना उसके अंदर प्रेम होगा, ना उसके अंदर दया होगी, ना उसके अंदर विशालता होगी, ना ही उसके अंदर कोई भाईचारे का जज्बा होगा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इधर परमात्मा नूं भुलिया, इधर सारे ही गुण गल गए, खत्म हो गए। परमात्मा नूं भुला के अगर कोई मनुख गुणवान दिखाई दे रहे है, कागजी फुल होणगे, प्लास्टिक दे फुल ने, असली फुल नहीं ने। एवें गुण दिखाई देंदे होणगे, गुण नहीं ने। ये भी मैच कर रहे हैं। हर बिसरत तेरे गुण गले है। थोड़ी जिहा भी मिलण दी सत्संग करदे आ, जिस दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है, हुण ये मनुख संसारी नहीं जग्यासु है। चल पे है, जपन लग पे है, ये हुण जग्यासु भी नहीं साधु हो गया है, चल पे है। सिर्फ चलिया ही नहीं, पहुंच गया, इते संत हो गया, इते ब्रह्म ज्ञानी हो गया। सब तो शिखर है संत, उस तो थले है साधु, उस तो थले है जग्यासु। निवाण दे च बड़ी भीड़ है संसारी। भगत कबीर कहिंदे ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी जिन्हों राम नाम दी घाटी, कहिंदे ने कहिंदे मैं कल्ला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई है ना मेरे पिछे। औखे ना होना। कवि गिरधर ने साफ कहे, हे परमात्मा बाकी ते हर रस्ते ते भीड़ है, सिर्फ तेरा ही रस्ता उजड़िया होया है। ते उजड़िया होया रस्ता किसनों कहने जिसते कोई चले ना। इकबाल कहिंदे ने, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। चले सन काफले खुदा दे मार्ग ते पहुंच गए, कोई रस्ते च मार खब गए। ऐ खुदा हुण तेरा रास्ता सुनना ही है, कुछ भी नहीं है।
ਹੋਏ ਸਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਹੁਣ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਚ ਮੌਚੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਸਾਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਿਆਂ ਰੰਗਦਿਆਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮਦੇਵ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰੰਗਨ ਰੰਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨ ਜਿਉ ਖੈਰ ਇਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਗਿਆਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕੋਂ ਕਾਠੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਠੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 100 ਸਵਾਲ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੋ ਸੂਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਜੋਗ ਕੋ ਸਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਯੋਗ ਕੋ ਸਾਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਫਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਆਖੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਾਂਦਾ ਜੋ ਹੈ ਧੰਦਾ ਚੱਲੇ ਲਕਸ਼ ਹੈ
अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है लंबा चौड़ा बस्ता लेके, तो पूछिए क्यों जा रहे हैं, वो आखे एवें ही जा रहे हैं, तो ये बच्चा कोई सियाणा नहीं है। सियाणे कह देना है पढ़ने वास्ते जा रहे हैं, विद्या हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। इसी तरीके दे नाल एक किसान जमीन दे च बीज बीज रहे, दाने बीज रहे, ते उन्हों आखिए क्यों बीज रहे हैं, ते वो आखे मैनू पता ही नहीं है एवें बीज रहे हैं। इस किसान नू की आखोगे? किसान ते फौरन दस देगा एक दाने तो हजारां दाने पैदा होने, इस वास्ते बीज रहे हैं। ते जे पूछ लईए तू तो क्यों गुरुद्वारे जांदा है, अमृत वेले क्यों उठदा है, बाणी क्यों पढ़दा है, बहुत सारिया नूं इसका नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इसका बोध नहीं है। फिर इस तो अंदाजा की लगता है, अजे जगयासा भी नहीं पैदा हुई। प्रभ मिलने की लालसा तांते आलस कहां करो रोई, अजे तो जगयासा भी नहीं पैदा हुई, अजे तो तड़प भी नहीं पैदा हुई। इस मनुख के जिन्ने प्रश्न आने सवाल आने धार्मिक नहीं आने, समाजिक आने, शरीरक आने, आर्थिक आने, कारोबारी आने। लोगों की गुफ्तगु तो पता चल जाता है इन्हों की समस्या राजनीतिक है, कारोबारी है, शरीरक है, समाजिक है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक समस्या किसी किसी की आती है। जब यह सवाल पैदा हो जाए सूरबीर कौन है, और मैं अर्ज करा यह सवाल उदो पैदा होंगे जब मनुख का ध्यान थोड़ा जहा अपने अंतरमुखी होंगे, नहीं तो नहीं पैदा होंगे। मनुख के प्रश्न सारे बार मुखी ने, परिवार बार है, कारोबार बार है, सारे संबंध तो बार दे। इस वास्ते बंदे नूं ऐसा ख्याल है शायद रब का संबंध भी कोई बार की गल है। पता है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कहती है, बाहर टोले सो भरम बुनाए भुलेखे च धोखे दे च। पर मनुख दे कोल जिहड़ा प्रबल अनुभव है वह तो यही, अज तक जो कुछ मिले है बारहों ही मिले है, प्रभता मिली है बारहों मिली है, इज्जत मिली है बारहों मिली है, मान सम्मान मिले है बारहों मिले है, धन संपदा मिली है बारहों मिली है, परिवार के संबंध जुड़े ने बारहों जुड़े ने। तो बंदा सोचता शायद निरंकार का संबंध भी किधरे बारहों जुड़ेगा, कतई ही नहीं जुड़ेगा। वह जगयासु है जो थोड़ा जहा अंतरमुखी होया है, अपने नेड़े आया है, संसार दे नेड़े, परिवार दे नेड़े, कारोबार दे नेड़े, ते सारी दुनिया है, अपने नेड़े आया है, थोड़ा अपने मन दे नेड़े आया है, जगयासा पैदा हो गई। ये जगयासु है। को सूरा सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। मैं दोहरावा दसम ग्रंथ के अनेक टीके ने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने भी छापिया, पंजाब गौरमेंट का जिहड़ा पंजाबी भाषा विभाग एक महकमा है उन्होंने भी छापिया, पंडित नारायण सिंह जी ने भी कुछ अर्थ किए हैं, गणेशा सिंह के अर्थां नूं नाल लेके। गणेशा सिंह ने इन्हां सवालों के जवाब लिखे ने भी मैनूं अंदरों ये जवाब आए ने, मैं थोड़े सामने रखा। को सूरा सूरबीर कौन है, जो बड़ा लड़ाक है बड़ा जंगजू है, जने खने दे गल पैंदा है, इन्हू सूरबीर ना आखना, यह सूरबीर नहीं है, यह तो क्रोधी होवेगा, जल्दबाज होवेगा, तमोगुणी होवेगा, सूरबीर नहीं है। को सूरा सूरबीर कौन है, मन जीता सूरा है, हर मनुख मन दा गुलाम है, मन बड़े बड़े अनर्थ मनुख दे कोलों करा लैंदा है,
इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहिंदी है, मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास। किसे ते भी भरोसा कर सकते हैं, ऐ मन तेरे ते नहीं। तू सवेरे ईमानदार सी, शामी बेईमान हो गए। हुणे शांतमई सी तो हुणे ही क्रोधी हो गए। हुणे परोपकार पिया करदा सी, हुण फिर दुराचारी हो गए। मन दा कोई भरोसा नहीं। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमाद। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे, माई मन मेरो बस ना। दो थावां ते गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मां दा जिक्र ज्यादा करदे ने। माई धन पायो हर नाम, हे मां हरी दे नाम दा धन प्राप्त हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब, माई मन मेरो बस ना, ए मां ये मन वसदे च नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते सैकड़े शब्द इस तरह के उच्चारण किए ने, माई मेरे मन को सुख। खैर इस मैं बथेरा थोड़ा समय ना लवा। बहुत दुख दी चोट दे समय कहिंदे ने, अगर कोई याद आउंदा है तो मां आउंदा है, मां शब्द निकल जाता। रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैं किसी वक्त फिर खुलासा करांगा। मनुखी बच्चे च 90% मां आउंदी है। धार्मिक ज्ञानिया ने पिता दे एक्सीड जो है संबंध नू कोई बहुत गहरा नहीं मनिया। एक्सीडेंटल कहिंदे ने संबंध, कोई खास नहीं है। मनुखी बच्चे च 90% उसकी मां आउंदी है। इस विषय नूं ते किसे वक्त फिर मैं दोहरावांगा। इस वास्ते बहुत गहरी चोट लग जाए मूंह मां निकल जांदा। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए मां निकल जांदा। माई मन मेरो बसना है। जग्यासु दा ते साधु दी सब तो वड्डी पीड़ा की है, सब तो वड्डा दुख की है, मन नहीं टिकदा। ये सब तो वड्डी पीड़ा है। ये पीड़ा अगर किसे कोल है तो धार्मिक पीड़ा है। इहदी समस्या धार्मिक है। ते आप सुन के हैरान हो गए, धार्मिक पीड़ा जैसी होर कोई पीड़ा ही नहीं है, सब तो वड्डी पीड़ा है। तुसी आखोगे इतनी वड्डी पीड़ा है? हाँ इतनी वड्डी पीड़ा है। जगत विच को जितनी वड्डी पीड़ा धार्मिक है और भगत लंघ देना है। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हूं ना, प्रसूत दी पीड़ा जनक कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। अपने तन दे चों एक होर तन नूं जन्म देना है तो शरीरक पीड़ा तो लंघना पैंदा है, लंघना पैंदा है। रब्बी नियम अपने ही मन दे चों जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है। बड़ी वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघना पैंदा है। जितने गहरे मानसिक संताप तो भगत लंघदे ने आम बंदियां नूं, जद सारी ये भी मैं अर्ज करदे मुस्कुराहट तो लंघदे ने, वो दुख किन्ना क है। चलो मैं ये भी थोड़े सामने रख दें। भाई गुरदास जी ने एक सवैया लिखे है, भाई साहब भाई गुरदास जी। थां थां ते भाई गुरदास जी ने जेड़े जेड़े शब्द गहरे गंभीर ने उन्होंने अर्थ किए ने। कोई 150 शब्दों के अर्थ उन्होंने कवित सवैया ते वारां विच किए ने। इस वास्ते आदकाल तो भाई साहब जी की बाणी नूं कुंजी कहिंदे ने। ते कुंजी आउंदी ताले नूं खोलण वास्ते। जिस शब्द नूं खोलना बड़ा औखा है, जिस शब्द नूं समझना बड़ा औखा है, भाई साहब समझा देंदे। जैसे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, हैरानगी होवेगी। गुरु नानक पवन नु गुरु कहिंदे, हवा नु गुरु कहिंदे। ऐसा क्यों? भाई गुरदास ने खोलिया, पवन गुरु गुर शब्द है। वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर,
पोत पोत संजोग बनाया, बोलना पवन करके, देही माठी बोले पवन। हवा नाभि नाल टकरांदी है, जब बोलन का ख्याल पैदा होंदा है ना, पवन नाभि नाल टकरांदी है, उत्थों आवाज उठती, उन्हों कहिंदे ने परा, वह हिरदे तक पहुँचती है, इन्हों मिलते ने अखर, इन्हों कहिंदे ने बसंती। ये कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाता है, इन्हों कहिंदे ने मधमा, जबान बयान कर देंदी है, इन्हों कहिंदे ने बैखरी। पर जैसे शहनाई मुरली कुछ साज जैसे हारमोनीयम पवन की चोट नाल जो है वजदे ने बोलते हैं, जिंदगी का साज भी पवन करके बोलता है, देही माटी बोले पवन। ते संसार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के बोल के, जिथे संबंध ना हो मनुख कह देंदा उत्थे साड़ी बोल चाल नहीं है, संबंध ते बोल चलते होंगे। एक सियाणा मेहमान एक दिन देच अंदाजा ला लेंदा है वक्ती तौर ते पति पत्नी दे संबंध टुटे हुए ने, क्यों बोलते ही नहीं, वेखदा ते दुश्मन भी दुश्मन नूं है, बोलता नहीं है। सियाणा मेहमान अंदाजा ला लेंदा है दो भरावां दे संबंध ठीक नहीं ने, क्यों बोलते ही नहीं, संबंध बोल चलते होंगे। ये प्यो पुत्र दे संबंध ठीक नहीं, क्यों बोलते ही नहीं, संबंध बोल चलते खड़े ने। जिथे संबंध बहुत गूढ़े होवन बंदा कह देंदा उत्थे साड़ी बोल चल बड़ी ज्यादा है, चंगी है, कह देंदा। संसार नाल रिश्ता जुड़दा है बोल के, निरंकार नाल भी रिश्ता जुड़दा है बोल के, बिना बोलिया रब नाल भी मनुख नहीं जुड़ सकता। मोह के बोलना बोलिए जित सुन धरे प्यार, है कुछ ऐसा बोलना जे बोलते जाइए तो प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है। तो बोलना तो पवन करके है, इस वास्ते तत्तां दे चां धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने पवन गुरु है। बोलन हार परम गुरु एही, बोलन करके संबंध जुड़ते हैं, गुरु का काम की है संबंध जोड़ना। बोलन का जो है रिश्ता है हर जगह सारी जगह, भावें खून का रिश्ता हो पर बोल चाल ना हो तो संबंध नहीं है, भावें ओपरा बेगाना है बोल चाल बड़ी गूढ़ी है रिश्ता है, संबंध बोल चाल दे होंगे, रिश्ता बोल चाल दा होंगे। ते बोलना पवन करके है, इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने पवन गुरु है। भाई गुरदास इस तरह के शब्दों नूं खोलदे ने, इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मुखारबिंद तों ही निकल गया सी, भाई जी थोड़े बोल ते कुंजी ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समय तों ही भाई गुरदास जी दी बाणी नूं कहिंदे ने कुंजी, कुछ शब्दों नूं खोल दिए। कितनी गहरी पीड़ा है, कितनी वड्डी पीड़ा है, धार्मिक पीड़ा जग्यासु दे अंदर पैदा हो जाती है, उस पीड़ा नूं नापिया तोलिया बयान करदे ने। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती। विद्वान कहिंदे ने सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होया, मां का भी जन्म होया, पहले सिर्फ एक औरत सी मां नहीं सी, सिर्फ स्त्री सी मां नहीं सी, बच्चे दे जन्म दे नाल बच्चे का जन्म तो होया है, मां का भी जन्म होया, वो मां बन गई है। पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई भी संत नहीं बन सकता, कोई भी भगत नहीं बन सकता, बड़ी वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले जियो। ये पीड़ा किन्नी क है, भाई गुरदास जिक्र करते हैं, अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। ध्यान देना, अगन जरत जीवदा जागदा मनुख किधरे बल दी अग दे च गिर जाए, ज्वालामुखी अग,
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਗਿਰੇ ਕਿਤਨੀ ਭੀੜ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚਿਣਗਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਅੱਗ ਚ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਜਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਜਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਕੋਬਰਾ ਨਾਗ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ। ਦੂਸਰੀ, ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸ ਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ, ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ ਪਏ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਂਟ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ। ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ, ਇਸ ਦੀਨ ਗਤੀ ਦੇ ਚ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸ ਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਠਿਠੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਊ ਦਿਜ ਬਦੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਲ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਪਾਪ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ, ਪੀਆ ਕੇ ਵਿਛੋ ਪਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਜਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸੰਤ ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚ ਮਸਤ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ।
टहलदिया टहलदिया सतगुरु के कन्ना दे होकिया की आवाज आई, होके ते होके विछोड़े तो निकल दे, होके दुख तो निकल दे। सतगुरु भी हैरान हो गए, अद्धी रात का वक्त होकिया की आवाज कन्न विच कौन हो सकता है। ये आवाज जिस पासे आ रही सी पातशाह उसे पासे चल पै। गुप अंधेरे दिच कोल जाके जब देख दे गौर नाल, ये ते भाई नंद लाल है, ये बैठा है। ते नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे नेड़े कोई आया है, कोई है। उस अंधेरे दिच बहुत बगौर खोल खोल के अखां देखिया तो मस्तक कदमां ते रखिया खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मुखारबिंद तो दो बोल निकले, नंद लाल तू मैनू दसेंगा ये सारा आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा है। ते नंद लाल कहिंदे महाराज मैं प्राकृतिक खोजी नहीं हाँ, बायो साइंटिस्ट नहीं हाँ, विज्ञानक नहीं हाँ, एक शायर हाँ, कवि हाँ, ते थोड़ा निमाणा सेवक हाँ, मैं नहीं दस सकता। सतगुरु कहने लगे तू कबूल कर लिया है कि शायर हैं कवि हैं, शायर दा तखयल होंदा है, कवि दी कल्पना होंदी है, तू अपनी कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है। कल्पना तखयल, अपनी कल्पना दे आधार ते दस, क्योंकि तू इतना कबूल कर लिया कि तू शायर है तू कवि है, ते कवियां दी कल्पना दी दुनिया भी आती है। तू अपनी कल्पना नू आधार बना के दस ये आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा, यह काला क्यों है। हुण भाई साहब दसदे ने रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमां गुजस्त। ऐ मेरे पादशाह मेरे तड़पे हुए हिरदे चो जिहड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने साड़ के काला कीता। महाराज ने गलवकड़ी च लै लिया, इतनी पीड़ा चो लंघ रहे हैं, इतनी बिरहे दी पीड़ा चो लंघ रहे हैं। किसी वक्त मैं जिक्र करांगा जितनी पीड़ा चो एक संत लंघदा आम संसारी नू की पता, कुछ भी नहीं पता। इते लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। कबीर कहिंदे ने पीड़ा कदी होई होवे ते जाणो, भयंकर पीड़ है। मैं फिर अर्ज करा अपने विच्चों ही परमात्मा नू जन्म देना है, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, प्रसूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई संत भगत नहीं बन सकता, संसारी बनिया रहेगा। संसारी पीड़ा मामूली होंगी, बुलाण दे भी बड़े साधन ने, अध्यात्मिक पीड़ा बड़ी प्रबल है। मन जीता सूरा है जो अपने मन नू जित लेंदा है, सूरबीर है महान है। तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर, कमजोर बंदियां दे कम नहीं है। बड़ा साहस चाहिदा है, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी दलेरी चाहिए, उस तो पहले समझ चाहिए। समझ दे मिलने ही पीड़ा शुरू हो जाती है, क्यों वह संसारी नहीं रह जाता, जग्यासू हो गया। तो हुण सिर्फ जग्यासू नहीं साधु हो गया, साधु ते जग्यासु ये दोवें बड़ी प्रबल पीड़ा चो लंघ देने। मन नू जिसने जित लिया है ये सूरबीर है महान है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, खूबसूरत कौन है,
खूबसूरती दो तरह की है, मन की तन की। तन खूबसूरत है, मन खूबसूरत नहीं। इन्हों कहते ने शकल सूरत तो ठीक है, सुभाव ठीक नहीं है। सूरत ठीक है, सीरत ठीक नहीं है। दो तरह की खूबसूरती होती है, एक खूबसूरती संसार नू चंगी लगती है, एक खूबसूरती निरंकार नू चंगी लगती है, परमात्मा नू चंगी लगती है। आप सवारे मैं मिले, मैं मिले आ सुखोए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। एक दफा तू अपने आप नू शिंगार ते सही, सवार ते सही, सारा जगत तेरा है। मैं ते तेरा हां, फिर सारा जगत तेरा। तन की खूबसूरती ते संसार रीझदा है, और खूबसूरती बहुत वड्डी प्रभावित कर दी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, इसका बड़ा भारी जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। सीरत कदी कदाई ऐसा होंदा है, सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, सुभाव भी पवित्र है और शक्ल सूरत भी ठीक है। कई दफा ऐसा है सूरत ठीक नहीं है, सीरत ठीक है। कई दफा ऐसा होंदा है सूरत तो बहुत अच्छी है, सीरत किसी कम दी, सुभाव ठीक नहीं है। इस दे उते विद्वाना ने लिखिया तो बहुत कुछ है, पर तुच्छ मात्र मैं अर्ज करा। सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, इस तरह के मनुख जगत दे कदी कदाई आउंदे नहीं। तो जनाब हालिक उर्दू का शायर है, वह कहिंदा है, खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। पिंज कहिंदा तन दा सौपन, कई दफा मनुख दा मन उसे ची उलझ के रह जांदा है। ते मन नू सुंदर बनाना है ते ख्याल ही नहीं आंदा। एह मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंगरी। कहिंदे ने दुनिया दा एक महान करूप मनुख सी वेद व्यास, जिसने चार वेद लिखे, भागवत गीता लिखी, भविष्य प्रवाण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया। पंजाब दे जिहड़ा दरिया ब्यास है इसे ऋषि दे नां ते। इस तो यह भी पता चले कि पंजाबी सी, भावें पंजाब ते अफगानिया दे नाम उन्होंने नाम रखे है। पंजाब नाम तो पहले इस इलाके दा नाम सी मधुर देश, गुरु गोबिंद सिंह जी भी मधुर देश कहिंदे ने। मधुर देश हम को ले आए, भांत भांत दयन दुर्लाए। इस इलाके का नाम सी मधुर देश। मधुर देश तो भी पहले इस इलाके का नाम सी सपत सिंधु, सत दरिया। पांच दरिया ते ए ने घाघरा ते दरिया सिंध मिला के इनू कहिंदे सन सपत सिंधु। इस इलाके का नाम सी, चूंकि बड़ा जरखैज सी, बड़ा जरखैज इलाका पानी करके मैदानी इलाका, तो नाम मधुर देश पै गया। अगवानिया का जब कब्जा होया, इन्होंने फिर पांच दरियावां नू सामने रख के दो दरियावां की गिणती परों की थी। फ्रंटियर के इलाके दरिया सिंध इन्होंने पांच दरियावां के आधार से पंजाब कह दिता। जिहड़ा दरिया ब्यास वगदा है ऋषि ब्यास के नाम से, इसी दरिया के कंडे ते बैठ के इसने चार वेद लिखे, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया, भागवत गीता लिखी। पर उस जमाने का सब तो करूप बंदा सी, अत्यंत करूप, पर उदे मन विचो इतना सुंदर ज्ञान निकलिया। फिर अष्टावकर त्रेते युग दा पुरुष, अष्टावकर शरीर इसका अठ थावां तो टेढ़ा सी, लत्तां टेढ़ियां, बाहां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, मोंडे भी दोवें टेढ़े सी, कमर भी टेढ़ी। अष्टावक्र तो मुराद अठ बल सन। अपनी झुग्गी च ही बैठा रहिंदा सी, साधना करदा रहिंदा सी। जनक दा जिहड़ा राजगुरु सी उसका लड़का सी,
ਪਰ ਅੱਠ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਪੀਛਾ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੰਤਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ 'ਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ, ਇੱਕ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਛੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਤਾਕਤਵਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਸਾ ਤਾਕਤਵਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਸਾ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ। ਹੱਸਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਤੋ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਬੀਰ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿੜਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਏ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੇਲ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੈਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।
पर एक शर्त है, तुसी किसनू दसोगे नहीं। मैं हाथ जोड़ के उसनू आख्या, मित्रा मैनू ना दसी, क्यों? मेरा अनुभव है जिहड़ी राज वाली गल आउंदी चंगी नहीं आउंदी। मनुख गंदगी नू छुपांदा है, गुणा नू ते उपर लई फिरदे न, हर बंदे लई फिरदे न। जो कुछ छुपाया होवेगा अनर्थ छुपाया होवेगा। तो मैं कि तेरी शकल सूरत मेरे अगों बड़ी चंगी बनी हुई है, तू अपना राज मैनू ना दस। मैं नहीं सुनना चाहता, दूसरा मैं कोई वायदा भी नहीं करना चाहता कि मैं किसी नू नहीं दसांगा, मैनू ना दस। मैनू कहन लगा हद हो गई, थोड़े ते मैं इतना भरोसा पिया करदा ते तुसी इतना वायदा भी नहीं कर सकते। मैं कहा मित्र गल नू गहराई नाल लै, राज तेरा है ना, ते तेरा राज है, तू अपने कोल नहीं रख सकता, तेरा राज मैं अपने कोल किस तरह रखांगा? कुछ ते अकल तो कम लै, मैनू ना दस, मैं किसी का राज सुनदा ही नहीं आता। मैं वायदा भी नहीं किया, उन्हें दस दिता। तो दसन तो बाद कहन लगा हुण मेरा हिरदा हौला हो गया। मैं कहा मित्रा हुण मेरा हिरदा भारा हो गया, तू अपने अंदर का बोझ कढ के मेरे अंदर पा दिता। राज एक पत्थर होंदा है, बोझ होंदा है, राज कोई चंगी गल नहीं होंदी। मनुख ने जो कुछ भी ठिका छुपाया होगा ठीक नहीं होगा। कबीर दूजिया नू उपनों उपरों देखते हैं, अपने नू गहरा देखते हैं। तो जद भी कोई गहरा देखेगा, बहुत गहराई चला जाए अगर साधना करता है, पिछले जन्म भी दिखाई देणगे। कबीर नू दिखाई देंदे ने, उसने जिक्र किया है, किस वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। ऐसे घर हम बहुत बसा है, ये तो बहुत सारे मैं घर वसा चुके हैं। ऐसा पुरुष अपने आप नू बड़ा गहरा वेखदा है, गहरा वेखदा है तो अपने विच औगुण दिखाई देंदे, दूजियां नू उपरों उपरों वेखदा है तो उपर उपर ते हर बंदे कोल गुण ने। आम संसारी पता किस तरह वेखदे ने, अपने नू उपरों उपरों वेख लैंदे ने, ते दूजे नू बहुत गहराई नाल वेखदे ने, सत्तां पीढ़ियां तक बन के रख देंदे ने। ये भी मैं अर्ज कर रहा, सिर्फ खलड़ी नहीं वेखदे, खलड़ी दे थले ते हुण मास है, मिंज है, दुर्गंध है, हड्डियां ने। परमात्मा ने भी दुर्गंध नू छुपा के रखे है, मनुख भी औगुणा नू छुपांदा है। जिस ते पर्दा पाया होवेगा वह ठीक नहीं होवेगा, ठीक नहीं होवेगा। कबीर सब ते हम बुरे, वाकई ऐसा मन लीए नहीं, कबीर अपने आप नू गहरा वेख देन, दूजियां नू उपरों उपरों वेख देन, तो सारे ही चंगे ने। गुरु नानक भी एक दृष्टिकोण सानू देंदे ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं असी चंगे हाँ, साडा कोई कहना नहीं कोई बुरा है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, सारे हस पे हासा कमजोरी ते आउंदा है। अष्टावक्र दे शरीर च बल सन बहुत सारे, जनक नहीं हसे क्योंकि संजीदा मिजाज पुरुष सन, दयालु सन। किसी की कमजोरी ते हसना ये उन्हां दा सुभा नहीं सी। ते पिता नूं ते तरस आया, तू जोत स्वरूप है, बड़ी प्रगट होई अष्टावक्र दे मूंह तो। जनक हुण हथ जोड़ के पुछदे ने, ऋषि जी ये सारे थोड़ा टेढ़ा शरीर वेख के हसे ने, तुसी क्यों हसे हो? मुस्कुराहट थानू भी आ गई है, तुसी की वेखे? अष्टावक्र कहिंदे ने, राजन मेरे शरीर दे च अठ बल ने, देख के हस पै। मैं जब इन्हां दे अंदर झाती मारी, इन्हां दे मन दे च हजारां बल ने, मुस्कुराहट आ गई, उनकी करां? मेरा तन टेढ़ा है, इन्हां दे मन टेढ़े ने। मेरे तन दे च बल ने, इन्हां दे मन दे च बल ने। ये सिर्फ तन वेखण वाले ने, मन वेखण वाले आउंदे ते मुनि होंदे, मनीष आउंदे, ये तन वेखण वाले ने, चमड़ा वेखण वाले ने। राजन मैं ते समझिया सी मुनिया दी महफिल होवेगी, चमारां दी महफिल है, सीधा कह दिता जनक नूं, कह दिता ये ते चमारां दी महफिल है, चमड़ा वेखदे ने, शरीर वेखदे ने। जिहड़ा ज्ञान उस महफिल दे च अष्टावकर ने
जनक नूं दिता। जनक ने अपना मस्तक कदमां ते रख दिता, उस नूं गुरु बनाया सी। जैसे श्री कृष्ण की भागवत गीता है ना, एक गीता अष्टावकर दी, उहनूं महागीता कहिंदे ने, घट प्रचलित है, वह प्रचलित घट है। उत्थे अर्जन प्रश्न करता है ते कृष्ण उत्तर देंदे ने, इत्थे जनक प्रश्न करता है, अष्टावकर उत्तर देंदे ने। उत्थे सवालों का जवाब देने वाला महान है, कृष्ण महान है, पर सवाल मामूली ने। अर्जन कोई स्रोता बहुत वड्डा नहीं सी। इत्थे सवाल करने वाला महान है जनक, बड़ा सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख, सवाल बड़े बुलंद और उच्चे सवाल ते फिर उन्हां दा जवाब दिता है। अष्टावकर ने जवाब दिता, उन्हूं अष्टावकर महागीता करके कहिंदे ने। मैं पढ़ के हैरान होया, इन्ने उच्चे उच्चे सवाल इस पुरुष ने किए ने जनक ने, इतने उच्चे सवाल अर्जुन ने नहीं किए कृष्ण ते। उस तो ही पता चलता है जनक की महानता का। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जिदे कोल रब्बी गुण ने वह खूबसूरत है। जिदे कोल दया है, सील है, समझन है, भाईचारा है, मिठास है, मिलवर्तन है, रस है, ज्ञान है, यह खूबसूरत है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। समाप्ति में करा, जब मन टिक जाए तो साहिब कहिंदे ने सतसंग का फल मिल गया, नाम जपण का फल मिल गया। ये जिहड़े कहिंदे ने की करिए, मन ते टिकदा ही नहीं, की बाणी पढ़ीए, इन्हां नूं कौन दसे। बाणी पढ़ना कर्म है, मन दा टिक जाना ते फल है, वो ते बाद च होएगा, पहले किस तरह टिकेगा। ये जिहड़ा कहिंदे ने ना, आम गुरुद्वारियां च कह देंदे ने गुणी गैनी भी, मन नूं टिका के बाणी पढ़ो, गलत कहिंदे ने। इंज कहना चाहिए बाणी पढ़ो ताकि मन टिके। असल गल ए, मन नूं टिका के नाम जपो, टिक गया मन, उसने जपना की, उते लीन है, उते समाधि लीन है। मन नूं टिका के नाम जपो नहीं, नाम जपो ताकि मन टिक जाए। मन नूं एकागर करके कीर्तन करो गलत है, कीर्तन करो ताकि मन एकागर हो। मन नूं एकागर करके कीर्तन सुनो बिल्कुल गलत, कीर्तन सुनो ताकि मन एकागर हो। मन की एकाग्रता ते फल है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। मन एक होंदया मन मिट जाता है, ते मन दे मिटदया परमात्मा प्रगट हो जाता है। चूंकि मन ही बाद है, ते मन दे मिटदया प्रभु प्रगट होंदा है। इस वास्ते कहा गया, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। सतसंग देच जिस मनुख दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई, उदा मन जग्यासू हो गया। जिहड़ा साधना करन लग पया वो साधु हो गया। जिहड़ा चल चल के पहुंच गया ते मन मिट गया, संत हो गया, परमात्मा हो गया। ते संत राम में भेद ना भाई, संत दे दर्शन राम दे दर्शन ने, राम दे दर्शन संत दे दर्शन। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पछाणी। अद्धा मिनट होर में लवा। सारी दुनिया दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है कि संत होना। जितने चिर तक नहीं आउणगे भटकदे ही रहणगे, और कोई भविष्य नहीं है। हर मनुख दा भविष्य है पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना। इस जन्म च नहीं होएगा, अगले च भटक भटक के होएगा, आज नहीं होएगा कल। हर मनुख का एक ही भविष्य है, कुछ भी भविष्य नहीं है बाकी। बड़ी लंबी चौड़ी विचारधारा है गुरु ग्रंथ साहब दे। संत होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, इस जन्म च होवे, अगले च होवे, होर हजारा जन्मां बाद होवे, भविष्य इसका ही है। जिन्ने चिर तक इस भविष्य की प्राप्ति नहीं है, यह भटकना बनी रहेगी, भटकना बनी रहेगी। सतगुर रहमत करन, साडे मन के अंदर जग्यासा पैदा होवे। सिर्फ जग्यासा ही नहीं, साधु बनीए, ब्रह्मज्ञानी बनीए, गुरमुख बनीए, ताकि गुरु माण नाल कह दे हुण मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। इतने विचारां परवान करनियां। टिकाओ नाल आपने सरवण कीता,
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।